नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल मिथिका में, जहां मैं आप लोगों को ऐसी नई नई कहानियां सुनाती हूं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। एक दिन थॉर और लोकी नए एडवेंचर की खोज में थॉर के रथ में चढ़कर यात्रा कर रहे थे। थॉर के इस रथ को दो बहुत ही शक्तिशाली बकरियां खींच कर ले जा रही थी। दरअसल थॉर को जायंट्स के किंगडम योटनहाइम की तलाश थी। वो वहां जाकर जायंट्स के नस्ल को हमेशा के लिए समाप्त कर देना चाहते थे। रास्ते में उन्हें जब एक छोटा सा घर दिखा तो उन्होंने रात को वहीं ठहरने का सोचा। वो एक गरीब किसान का घर था, जहां वो किसान अपनी पत्नी और अपने बेटे थ्योल्फी और बेटी रोस्क्वा के साथ रहता था। उन दोनों को देखकर किसान ने कहा, आप लोग यहाँ चाहे तो रात बिता सकते हैं, मगर आप लोगों को खिलाने लायक हमारे पास कुछ नहीं है। हम खुद कुछ दिनों से भूखे हैं। ये बात सुनकर थॉर ने अपने बकरियों को पकाकर उन सबको खिलाया और कहा, जितना चाहे इनका मांस खाओ, मगर हड्डियों को कोई नुकसान नहीं होना चाहिए। ये सुनने के बाद लोकी को शरारत करने की सूझी और उसने किसान के बेटे से कहा, क्या ये कोई अच्छी बात है कि उन मोटे हड्डियों का नली थॉर बस अकेले खाए? मुझे नहीं लगता एक दो अगर तुम खा लोगे तो उससे थॉर को कुछ फर्क पड़ेगा। ये सुनकर किसान के बेटे ने एक हड्डी को तोड़कर खा लिया और टूटी हड्डियों को फेंक दिया। अगले दिन सुबह यात्रा शुरू करने से पहले थॉर ने उन मरी हुई बकरियों की चमड़ी और हड्डियों को एक साथ करके अपनी जादुई हथौड़े के सहारे उन्हें जीवित कर दिया, मगर एक बकरी लंगड़ाने लगी। ये देखकर थॉर को बहुत गुस्सा आया और उसने अपना हथौड़ा घुमाते हुए किसान से कहा, मुझे एक वजह दो कि मैं अभी तुम्हारे पूरे परिवार को क्यों ना सजा दूं। मैंने अपने हाथों से तुम लोगों के लिए खाना पकाया, मगर तुम लोगों से मेरी एक बात नहीं मानी गई। थॉर के इस रूप को देखकर किसान और उसका परिवार बहुत डर गया और किसान के बेटे ने रोते हुए थॉर से माफी मांगकर कहा, इसमें मेरे परिवार की कोई गलती नहीं है, एक हड्डी मैंने खाई थी, गलती मेरी है, आप मुझे सजा दीजिए मगर मेरे परिवार को छोड़ दीजिए। लोकी ने अपनी हंसी रोकते हुए कहा, हाँ भाई, अब जबकि आपका रथ किसी काम का नहीं रहा, हमारा सामान उठाने के लिए कोई तो चाहिए, हम क्यों ना इसे उस काम के लिए रख लें। थॉर बहुत दयालु थे। उस बच्चे को रोते हुए देख वो लोकी की बात मान गए और अपने बकरियों को वहीं छोड़कर वो तीनों आगे की सफर के लिए निकल पड़े। चलते चलते रात हो गई और सामने ही उन्हें एक गुफा दिखा, तो वो लोग उसके अंदर जाकर बैठ गए। कुछ देर बाद भूकंप जैसे हलचल मच गई और वो सो नहीं पाए। मामला क्या है पता लगाने जब थॉर बाहर निकले तो उन्होंने देखा उनके गुफा के पास एक विशालकाय जायंट सो रहा है और उसके खर्राटे लेने की वजह से पूरा जमीन हिल रहा है। जब कुछ देर बाद वो जायंट जाग गया तो थॉर ने गौर किया कि उसने बस एक ही हाथ में ग्लव्स पहना हुआ है, उसका दूसरा ग्लव जमीन पर है, जिसे वो लोग गुफा समझकर रात को आराम करने रुके थे। उस जायंट ने उन्हें देख कर कहा, मेरा नाम स्कर्मीर है और अगर आप लोग चाहें तो मैं आप लोगों को आगे की राह पर चलने में मदद कर सकता हूँ। थॉर इस बात पर राजी हो गए और स्कर्मीर ने थॉर का सारा सामान अपनी झोली में डालकर उसका मूल रस्सी से कसकर बांध दिया। इसके बाद उसने थॉर और उनके साथियों को अपने कंधों पर उठा लिया और आगे चलने लगा। रात होने पर स्कर्मीर ने उन्हें एक बड़े से ओक ट्री के नीचे उतार दिया और कहा, मेरी झोली में से अपना खाना निकाल कर खा लो, मैं बहुत थक गया हूँ तो मैं सोने चला। ये कहकर वो सो गया और खर्राटे लेने लगा। थॉर ने बहुत कोशिश की उस झोली को खोलने की, मगर उसका रस्सी टस से मस नहीं हुआ। थॉर ने स्कर्मीर को भी बहुत जगाने की कोशिश की, मगर वो खर्राटे मारकर सोता रहा। अब भूख के मारे थॉर को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपना हथौड़ा उठाया और दे मारा स्कर्मीर के सिर पर, जिससे उसकी आंखें खुली और उसने कहा, ये क्या था, मेरे ऊपर कोई पत्ता गिरा क्या? थॉर इससे बहुत हैरान रह गए, जिसे देखकर स्कर्मीर ने उनसे पूछा,
क्या आप लोगों ने खाना खा लिया? थॉर को बहुत ही गुस्सा आ रहा था, मगर बहुत शर्मिंदगी भी महसूस हो रही थी, ये कहने में कि उनसे एक झोली भी नहीं खोली गई। तो उन्होंने मुंह फुलाकर कहा, हाँ हम लोगों ने खा लिया। बेहतर है, ये कहकर वो जायंट फिर से सो गया और खर्राटे मारने लगा। एक तो भूख से जान जा रही थी, ऊपर से इस कर्मीर की खर्राटों की वजह से उन्हें नींद भी नहीं आ रही थी। बेचारे थॉर कब तक शांत रहते। उन्होंने फिर से अपना हथौड़ा घुमाकर दे मारा स्कर्मीर के सिर पर। इस बार स्कर्मीर जाग कर बोला, ये तो बड़ी मुश्किल है, कभी पत्तियां कभी डालियां मेरे ऊपर गिरती जा रही है। पता नहीं आप लोग यहाँ कैसे आराम कर सकते हैं। खैर अगर आप सब जाग ही रहे हैं तो चलिए यात्रा आरंभ करते हैं। बहुत दूर तक चलने के बाद स्कर्मीर ने उन सबको एक बड़े से महल के सामने उतार दिया और कहा, आप सब अंदर जाइए, मैं अंदर नहीं जाऊंगा, वहाँ सब मेरा मजाक उड़ाते हैं क्योंकि मैं कद में छोटा और कमजोर हूँ ना। ये कहकर वो जायंट वहाँ से चला गया। यहाँ थॉर सोच में पड़ गए, अगर स्कर्मीर ही उन सबके सामने कद में छोटा और कमजोर है तो ना जाने वो लोग कितने बड़े होंगे। महल के अंदर घुसने के बाद महल के राजा ने उनका स्वागत करते हुए कहा, मैंने सुना है तुम एस्गार्ड वाले खुद को बहुत महान और शक्तिशाली मानते हो, क्यों ना तुम्हारे और मेरे प्रजाओं के बीच एक मुकाबला हो जाए। थॉर ने सीना तान कर कहा, मुकाबला चाहे कोई भी हो, जीतेंगे तो हम ही। मेरा भाई लोकी पूरे एस्गार्ड में उसके जितना तेजी से कोई और खाना नहीं खा सकता। राजा ने मुस्कुराते हुए कहा, अभी पता चल जाएगा। इसके बाद दो बड़े पात्रों में मांस लाकर टेबल पर रख दिया गया, जिसके एक तरफ बैठे लोकी और दूसरी तरफ लोगी नाम का एक जायंट। दोनों ने एक ही वक्त पर खाना शुरू किया, मगर जब मुकाबला खत्म हुआ तो देखा गया कि लोकी ने उस बड़े पात्र का सिर्फ मांस ही खाया है और दूसरी तरफ लोगी ने मांस के साथ साथ हड्डियां और पात्र यहाँ तक कि टेबल को भी खा लिया। इसी कारण इस मुकाबले में लोगी को ही विजेता घोषित कर दिया गया। इसके बाद राजा ने थियोल्फी की तरफ इशारा करते हुए कहा, ये बंदा क्या कर सकता है? थियोल्फी ने कहा, मैं बहुत तेज हूँ, दौड़ में मैं किसी को भी हरा सकता हूँ। ये सुनकर राजा ने कहा, चलो अभी पता चल जाएगा। इस मुकाबले में थियोल्फी का सामना हुआ हुगी नाम के एक जायंट से, जो पलक झपकते ही अंत तक पहुंच गया, जिसके बाद सबको मानना ही पड़ा कि हुगी ही विजेता है। हंसते हुए अब जायंट्स के राजा ने कहा, तो थॉर मैंने सुना है पूरे एस्गार्ड में मदिरा पान करने में तुमसे आगे कोई नहीं, एक मुकाबला हो जाए। इसके बाद राजा के इशारे पर एक मदिरा का पात्र लाया गया, जिसे दिखाते हुए राजा ने कहा, हमारे सबसे बेहतर जायंट्स इसे एक ही घूंट में खत्म कर देते हैं, कुछ जायंट्स को इसे खत्म करने में दो घूंट लगते हैं, पर कोई इतना कमजोर जायंट भी नहीं है जो इसे तीन घूंट में भी खत्म ना कर सके। थॉर ने उस पात्र में से पीना शुरू किया। पीते पीते उन्हें ऐसा लगने लगा कि अब उनका पेट फट जाएगा, मगर उस पात्र में से मदिरा बिल्कुल भी कम नहीं हुआ। थॉर को शर्मिंदा होते देख जायंट किंग ने कहा, दिल छोटा मत कीजिए थॉर, मेरे महल के बच्चे कभी कभी मेरे बिल्ली को खेल खेल में उठा लेते हैं, अगर आपने मेरे बिल्ली को उठा लिया तो आपको मैं विजेता घोषित कर दूंगा। किसी एक चुनौती में जीत हासिल करने के लिए थॉर राजी हो गए और वहीं बैठी हुई जायंट किंग के बिल्ली को उठाने की कोशिश की। उनके लाख कोशिशों के बावजूद उस बिल्ली को वो पूरी तरीके से जमीन से उठा नहीं पाए। ये देखकर जायंट किंग ने कहा, अब एक आखिरी मुकाबला कुश्ती का हो जाए, आपको देखकर लगता नहीं आप मेरे जायंट्स में से किसी को हरा पाएंगे, आपके लिए मेरी बूढ़ी धाई माँ ही ठीक रहेगी। इसके बाद जब बूढ़ी धाई माँ ने भी थॉर को कुश्ती में हरा दिया तो थॉर वहाँ और नहीं रुके। जायंट किंग उन्हें महल के बाहर तक छोड़ने आए और कहा, अब जबकि आप सब यहाँ से जा रहे हैं, अब मेरे जीते जी या मेरे मरने के बाद यहाँ कभी कदम मत रखना, क्योंकि शक्ति से नहीं तो जादू शक्ति से हम आपको हरा कर ही रहेंगे। एक और बात, मुझे पता था कि आप लोग आने वाले हैं, वो जायंट स्कर्मीर मैं ही था,
जब से मैं आपसे मिला हूँ जादू का इस्तेमाल करके खुद को बचाते आ रहा हूँ, वरना मेरी मौत तो उस पेड़ के नीचे ही हो जानी थी जब आपने हथौड़ा मेरा सिर समझकर एक पहाड़ पर दे मारा था। अब उस जगह पहाड़ की जगह एक झील है। लोकी आपके साथ भी छल हुआ है। खाना खाने के मुकाबले के दौरान आपका पाला पड़ा था आग से। बेशक आप बहुत जल्दी खाते हैं, लेकिन आग आपसे भी जल्दी सब कुछ खा सकता है। थियोल्फी, तुम जितना तेज दौड़ने वाला लड़का मैंने आज तक नहीं देखा, मगर तुम्हारा मुकाबला हुआ था चिंता से। अब ये बात तो सभी को पता है कि चिंता की गति सबसे तेज है। गुस्से में आकर थॉर ने कहा, और मुझे हराने के लिए कौन सा छल किया तुमने? आपके शक्ति की दाद देनी पड़ेगी थॉर। जिस मदिरा पात्र से आप मदिरा पी रहे थे वो सातों समुन्दर के साथ जुड़ा हुआ था, और आपकी वजह से वो सूखे पड़ने वाले थे। जिस बिल्ली को आप उठा नहीं पाए वो दरअसल योर्मनगैंड था, वो विशालकाय सर्प जिसने पृथ्वी को घेर रखा है, और वो बूढ़ी थाई माँ जिसे आप कुश्ती में हरा नहीं पाए वो दरअसल बुढ़ापा है। चाहे आप कितना ही बलवान क्यों ना हो, बुढ़ापा से आज तक कौन जीत पाया है? ये सब सुनकर थॉर को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपना हथौड़ा घुमाकर दे मारा जायंट किंग के सिर पर। मगर उन सब के सामने जायंट किंग हंसते हुए अपने महल के साथ गायब हो गए, और थॉर बेचारे खाली हाथ एस्गार्ड वापस लौट आए। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को आज की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज इसे लाइक कर दीजिए, नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा कि आप लोगों को कैसा लगा, और प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और हाँ, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मैं आप लोगों से मिलूंगी अगले हफ्ते एक और नई कहानी के साथ।